ईयर टू रो मेथड, मॉडिफाइड ईयर टू रो रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम, हेटरोसिस, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो पहले एक एक करके मैं समझाता हूँ, पहले ये समझाता हूँ, ये जेनेटिक देखो पूरा ये प्लांट ब्रीडिंग है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब समझते हो, प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग मतलब है हाइब्रिड प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, पूरा शुरू से हाइब्रिड प्रोडक्शन, राइट। तो हाइब्रिड प्रोडक्शन तो गलत होगा, बल्कि आप ये कहोगे बेस्ट वैरायटी सिलेक्ट करना, राइट, बेस्ट वैरायटी को सिलेक्ट करना, यही ऑब्जेक्टिव है, राइट। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे देखो प्लांट ब्रीडिंग का मेजर अचीवमेंट, जो मेजर गोल है वो ये आ गया कि भाई हमें बेस्ट वैरायटी सिलेक्ट करनी है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है। ठीक है ना, तो पहले के लोग क्या करते थे, जैसे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी को लेते थे, मेल स्टेराइल हो जाए तो फीमेल को दूसरे मेल से, जो दो तरह की क्रॉप होती है ना, एक होती है सेल्फ पॉलिनेटेड और एक होती है क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है ना, एक होती है सेल्फ पॉलिनेटेड, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेटेड। तो क्रॉस पॉलिनेटेड में तो इसकी जरूरत ही नहीं है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या मेल स्टेरिलिटी की। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मेल स्टेरिलिटी चलो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी कराते हैं इमेस्कुलेशन से। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यस आर नो, समझ में आ रही बात? हेलो, यस सर। सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, मेल को रिमूव कर देंगे या स्टेराइल कर देंगे, राइट, या रिमूव कर देंगे या स्टेराइल कर देंगे। सेल्फ पॉलिनेट क्रॉप में आपको दूसरे मेल को लेके, एंथर को लेके उनको करना पड़ेगा, सो दैट बेस्ट प्लांट, ये प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, बेस्ट प्लांट आपको अचीव करना है, बेस्ट प्लांट की वैरायटी होनी चाहिए इन द टर्म ऑफ यील्ड, इन द टर्म ऑफ है ना क्रॉप रेजिस्टेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए। ये आपका पूरा सिलेबस उसी हिसाब से डिजाइन है, जेनेटिक बेसिस एंड ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इसमें होती है मास एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। अभी मास आपको पता ही होगा, मास लेवल पे जब सिलेक्शन करते हो, यानी आपके पास बहुत बड़ी क्रॉप है, राइट, और उसमें से आपको एक दो आपको बेस्ट मिल गई। ठीक है ना, जैसे व्हीट है, व्हीट आपके ग्रो के करी हुई है, लेकिन एक दो इसमें से बेस्ट है, तो आप सबको छोड़ दोगे और इस दो को सेलेक्ट कर लोगे, फिर इसका मास लेवल पे ग्रो कराओगे। ठीक है ना, और कम से कम 1, 2, 3, 4 कई जनरेशन तक आप ग्रो कराओगे। ग्रो कराने के बाद अगर ये परसिस्टेंट होती है, यानी सेम चीजें, मान लो समझ लो व्हीट लिया, तो यील्ड उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज का ग्रेन साइज आपकी बड़ी होगी। ठीक है ना, बफरिंग कर रहा है, मतलब चल रहा है ना अच्छे से अभी? ठीक है, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया अभी। ठीक है, क्लियर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कर देना। अभी मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ क्या है, तो ताकि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये मास लेवल पे आपको ग्रो कराया, तो इसको कहते हैं मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है कि अब अगर ये हेट्रोजाइगोट होगा, ठीक है ना, तो ये जैसे हेट्रोजाइगोट मतलब होता है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। प्योर लाइन क्या होता है, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या हो गया डोमिनेंट, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या हो गया रिसेसिव। तो ये दोनों क्या हो गए, प्योर लाइन।
बात समझ में आ गई? यस सर नो? ये समझ में आ गई बेटा? यस सर। हाँ, ये हो गई प्योर लाइन, प्योर लाइन सिलेक्शन। तो दोनों तरीके से सिलेक्शन करते हैं, मास और प्योर लाइन सिलेक्शन का फायदा होता है, डोमिनेंट होकर वैरायटी दिया तो ये काफी जनरेशन तक आपकी स्टेबल रहेगी, उनका ये बेनिफिट होता है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि बेस्ट वैरायटी को हाइब्रिडाइज कर देते हैं। तो अगर मान लो आर आर है ना, इन दोनों को हाइब्रिडाइज कर दिया तो आपको प्योर लाइन मिल गया। एक तो ये फायदा होता है कि प्योर लाइन काफी स्टेबल होती है और काफी जनरेशन तक ग्रो कर जाएगी, ठीक है ना। तो हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, हार्डी विनबर्ग रूल ला अप्लाई कब करते हैं? जब आप फ्रीक्वेंसी आप जानना चाहते हो कि डोमिनेंट जीन की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, यानी पी फ्रीक्वेंसी हो गई डोमिनेंट जीन आर की और स्मॉल क्यू स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी आप जोड़ोगे तो कितनी आएगी? वन। ये उन्होंने आरडी विनवर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी है और स्मॉल जीन की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू वन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब कहते हैं मान लो एक की फ्रीक्वेंसी आपको पता है और रिसेसिव की मान लो 0.5 है, तो डोमिनेंट की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? 1 - 0.5 = 0.5, ठीक है ना। तो हार्डी विनबर्ग से क्या करते हैं कि पी प्लस क्यू का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा मैथ में, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर बोलो, ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हार्डी विनबर्ग के रूल के हिसाब से, हार्डी रूल के हिसाब से आपका दोनों फार्मूला ट्रू है, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन या पी प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ठीक है ना। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि बहुत बड़े पॉपुलेशन में, ठीक है ना, अगर मान लो पॉपुलेशन 1000 की हो, 10,000 की हो, है ना, क्रॉप तो ऐसे आती है बड़े स्केल पे, तो इस लेवल पे आप उनकी क्या जीन फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट कर सकते हो, डोमिनेंट की अलग से कैलकुलेट कर सकते हो और रिसेसिव की अलग से। समझ में आ गई बात? तो आपका ये हो गया हार्डी विनबर्ग रूल, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। हार्डी विनबर्ग रूल पॉपुलेशन में एक तो अप्लाई होता है, दूसरा डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील इक्वल टू वन, और दूसरा फार्मूला है पी प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी क्यू, ठीक है ना। तो अगर मान लो अगर आपको फ्रीक्वेंसी जीन की कैलकुलेट करनी हो कि इसमें से हेट्रोजाइगोट कितना है, तो मान लो पी की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, क्यू की फ्रीक्वेंसी 0.2 है, तो अब हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? 2 × 0.4 × 0.2 कितना हो गया? 0.16 हो गया, ठीक है ना, 0.16 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हेट्रोजाइगोट की भी निकाल सकते हो, और मान लो कहता है कि पी स्क्वायर डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो 0.4 का स्क्वायर हो गया 0.16, कहता है क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी निकालो तो ये भी आप निकाल सकते हो 0.2 का स्क्वायर यानी 0.0। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं हार्डी विनबर्ग का। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होता है टू डिटरमाइन द जीन फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन। तो ये चीजें होगी, अब नेक्स्ट चीजें देखो। अब नेक्स्ट मेथड है ईयर टू रो मेथड, ठीक है ना। तो उसका बता देते हैं आपको, ईयर टू रो मेथड क्या होता है। ईयर का मतलब क्या होता है, रो का मतलब क्या होता है, बोलो।
तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उस स्लाइड से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है आपका ईयर टू रो मेथड। तो स्लाइड दिख रही है, स्लाइड दिख रही है बेटा। अब मान लो एक तो ये प्लांट ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटर मेथड से करो करोगे तो ये बेस्ट मेथड है, तो उसको क्या कहते हैं बोलो, ईयर टू रो मेथड। क्या बोलते हैं? ईयर टू रो मेथड। हाँ, ईयर टू रो यानी रो वाइज बात करते हैं, रो कॉलम होता है ना, रो रो एंड कॉलम ऐसे बात होती है ना, जब आप फील्ड प्लॉटिंग करते हो वैसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो, तो ये इसी टर्म में बात कर रहा है। कह रहे हैं कि देखो अगर मान लो सपोज आपको बेस्ट वैरायटी प्लांट की सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप प्रोजनी को सेलेक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप, है ना। फिनोटाइप क्या होता है? विजिबल कैरेक्टर, जो विजिबल हो जाए कैरेक्टर उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप से आपको पता लग जाएगा कि विच प्लांट इज बेस्ट, है ना, लुक वाइज, और आपको ग्रेन का साइज भी बड़ा दिख जाएगा, है ना, ग्रीनरी उसमें अच्छी रहेगी, तो फाइनल सिलेक्शन आपने कर लिया, ठीक है ना। आप कहते हैं कि अब एक बार में अगर आप सिलेक्शन करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि 10,000 प्लांट है, तो आपको एक टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा प्रोजेनी सिलेक्शन के लिए, ईयर टू रो मेथड, ईयर टू रो मेथड। और दूसरा क्या मेथड है? रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट क्या होता है? व्हाट इज रिकरेंट सिलेक्शन? कुछ आइडिया? व्हाट डू यू मीन बाय रिकरेंट सिलेक्शन? हिंदी में किसी को पता है रिकरेंट का मतलब क्या है? बोलो, नहीं पता है? नो सर। हाँ, तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तभी अंग्रेजी अच्छे से आएगी ना। ये सोचोगे कि डायरेक्ट अंग्रेज बन जाओगे तो पैदा कहाँ हुए थे? बोलो, पैदा हुए हो हिंदुस्तान में, ठीक। तो आपको हर चीज की मीनिंग हिंदी में भी समझनी है, लिखना आपको बेशक इंग्लिश में है बिकॉज लैंग्वेज इज। तो आपको मैं बताता हूँ एक डायग्राम से, इस टेक्निक को डेवलप किसने किया? हॉपकिंस ने, राइट। ईयर टू रो मेथड को किसने डेवलप किया था? हॉपकिंस ने, ठीक है ना। तो ए मेथड इन विच सिलेक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंट डिराइव फ्रॉम इंडिविजुअल ईयर्स आर कॉल्ड एज अ ईयर टू रो मेथड। ईयर मतलब जानते हो, जैसे रीच के बारे में कहते हो आप, ईयर है ना, उनकी जो बर्ड्स होती है या उनके जो वो है। तो फिर डायग्राम देखो, तो सिलेक्शन आप किसको करनी है? प्रोजनी को। टेक्निक कौन सा अपना रहे? ईयर टू रो मेथड। हॉपकिंस ने कब डेवलप किया था? 1908 में मेज में किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहला मेथड है 50 से 100 प्लांट ले लो आप, फिनोटाइप में जो बेस्ट दिखते हो और आप उनको बेस्ट ले लो, ठीक है। एंड ओपन पॉलिनेशन, ओपन पॉलिनेशन समझते हो, ठीक है ना। तो ओपन पॉलिनेशन मतलब आप अपने से जो पॉलिनेशन करा सकते हो बेस्ट सीड के साथ वो करा दो, ठीक, समझ गए, जो बेस्ट करा सकते हो आप वो करा दो। 50 से 100 पौधे ले लिया, उनकी सीड कलेक्ट कर लिया और ओपन पॉलिनेशन करा लो। सर पहले ओपन पॉलिनेशन करा लो अपने जो इस अपने एंथर लिए हुए हैं उसके साथ करा लो, और फिर सेपरेटली हार्वेस्ट कर लो। क्या कर लो? सेपरेटली हार्वेस्ट कर लो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं बताओ? जैसे 50 से 100 बेस्ट प्लांट ले लिया आपने, ठीक है, उनको पॉलिनेशन कराया, तो पॉलिनेशन कराने का फायदा क्या हुआ? आपकी जो बेस्ट एंथर थे उससे आपने पॉलिनेशन करा लिया, ठीक है ना। हाँ, रिकरेंट का मतलब होता है बार बार, राइट। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार जो रिपीट होती है ना, उसको बोलते हैं रिकरेंट। तो इसमें हमने पहला लाइन क्या देखा? पहला लाइन है इंडिविजुअल ईयर्स प्रोजेनी मेथड इन विच सिलेक्शन इज कैरिड आउट ऑन प्रोजेनी। तो ये सिलेक्शन का मेथड है कि इसमें
क्रॉस करने के लिए, ठीक है, और प्रोजनी को सेलेक्ट करने का मेथड है. एंड हाउ वी आर सेलेक्टिंग द प्रोजनी बेस्ड ऑन ईयर टू रो मेथड ऑन रिकरेंट सेलेक्शन, यानी बार बार हम उसी को सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट होगा. ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, कितना मिनिमम प्लांट लेना है बोलो. 5200 प्लांट ले लिया जो बेस्ट होंगे फिनोटाइप के आधार पे, उनको ओपन पॉलिनेशन कर दिया, जो आपके चाहे एंटर आपका हो चाहे उनका ही ले लो, क्योंकि इसमें क्या होता है क्रॉस पॉलिनेटेड में मेल नहीं होता है उनके पास, ठीक है ना, और जो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है उसमें मेल भी साथ में होता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड यानी सेल्फ के अंतर से ही पॉलिनेट कर जाते हैं. तो सीड फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट आर हार्वेस्टेड सेपरेटली. अब सीड को कलेक्ट कर लिया, अब इससे फायदा क्या हुआ, ये आपकी बेस्ट प्रोजनी आपने सेलेक्ट करी, ठीक है ना, जो आपकी बेस्ट सीड आ गई, सीड ही तो सेलेक्ट करना था. अब सेकेंड मेथड क्या है, एक रो में किसी सिंगल रो में 10-50 प्लांट का ले लो, ठीक है ना, और दैट इज अ प्रोजनी रो इज ग्रोन फ्रॉम ई सेलेक्टेड प्लांट, द प्रोजनी रो आर इवेल्युएटेड फॉर डिजायर्ड करेक्टर एंड सुपीरियर आर आइडेंटिफाइड. अब 10-50 प्लांट में, जो एक रो में 10-50 प्लांट, 50 से 100 लिया, यानी एक में सपोज अगर 50 है ना, तो वो हो गया पूरा, लेकिन 50-100 यानी अगर 10-10 का रो बनाओगे तो 10 हो गया, 10 रोज हो गए, ठीक है ना. एक रो से ले लिया, उसमें से एक पौधा ले लिया, फिर दूसरे रो से ले लिया अच्छा वाला, तीसरे रो से ले लिया, चौथे रो से ले लिया, बात समझ गए, ये बात समझ में आ रही है. तो ऐसे 100 पौधों में से आपने कुछ सेलेक्ट कर लिए बेस्ट वाले. अब जो सुपीरियर, इनको बोला गया सुपीरियर प्लांट, सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम द सुपीरियर प्रोजनी एंड सेलेक्टेड प्लांट्स आर परमिटेड टू ओपन पॉलिनेट, इनको फिर से ओपन पॉलिनेट करा दो, नहीं समझे. अब जैसे ये 10-10 का रो है, ऐसे देखो ये 10 है, ठीक है, कितने हो गए टोटल, 10, 20, 30, 40, 50 हो गए, हो गए ना बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना, यस सर नो. अभी जैसे मान लो हमने दो बेस्ट ले लिए, कलर चेंज कर लो, हमने मान लो दो बेस्ट ले लिए, इधर से दो बेस्ट ले लिए, कोई भी दो ले लो जो बेस्ट होंगे, जिनको वो क्या बोलोगे सुपीरियर वैरायटी ले लिया, ठीक है. अब इनको ओपन पॉलिनेट करा लिया, क्या कराओगे, ओपन पॉलिनेशन करा लिया, ठीक है ना. ओपन पॉलिनेशन से आपको फिर सीड मिल जाएगी, तो सारे रो में यही करना है आपको, कि जैसे 10 लिया, 10 की एक रो हो गई, इसमें से हमने कितने सेलेक्ट किए, दो ले लिए, दो सुपीरियर हो गए, इसको ओपन पॉलिनेट करा, फिर नेक्स्ट रो से क्या किया, दो सुपीरियर ले लिया या तीन ले लिया या चार ले लिया, फिर उनको ओपन पॉलिनेट, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना. लेना मिनिमम कितना है, 50-100, इतना क्लियर है. तो अरे ये डायग्राम से अब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो तो हमने बेस्ट वाले प्लांट फिनोटाइप ले लिए, ठीक है, क्लियर. ये देखो फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, ये बेस्ट वाले प्लांट ले लिए, ये हो गई ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये क्या हो गई ओरिजिनल पॉपुलेशन. अब इसमें क्या किया हमने, ओपन पॉलिनेशन कराई, ओपन पॉलिनेशन करा के फिर हार्वेस्ट किया, ठीक है ना, फिर उनको हमने सेकेंड ईयर में ग्रो कराई, तो ये हो गया रो ऐसे, ठीक है. फिर इसमें से सुपीरियर प्लांट लिया, क्या लिया सुपीरियर प्लांट, फिर क्या किया ओपन पॉलिनेट किया, फिर इसका बेस्ट सीड लिया, फिर थर्ड ईयर में क्या किया, फिर इसे सीड को ग्रो कराया, फिर क्या किया इसमें से सुपीरियर प्लांट ले लिया, ठीक, फिर क्या कराया बोलो ओपन पॉलिनेशन कराया, फिर क्या कराया बेटा सीड बना लिया. तो ऐसे कई जनरेशन तक हम करते गए, मे बी रिपीटेड चाहो तो यार इसके बाद मत करो, तो तीन साइकिल आपको करना पड़ेगा ये काम, इसी को कहते हैं ईयर टू रो मेथड. यानी क्लियर हो गया, इसको क्लियर नहीं हुआ, कौन बुद्धिमान है जिसको क्लियर नहीं हुआ, इतना सिंपल मेथड हो गया सबको क्लियर. प्रताप, अमन, निरंकर, विशन, केशव, मुन्ना, पारुल, बोलो बेटा, अंजलि, अनम्यूट करो थोड़ा, क्लियर है ना, क्लियर हो गया सर, यस सर,
क्लियर हो गया ना जो मैंने बताया? यस सर। आ गया ना, चलो। तो ये क्या कह सकते हैं, ये प्रोजेनी टेस्ट है ना, सिलेक्शन जो है प्रोजेनी के टेस्ट के आधार पर कर रहे हैं, दैट इज द ईयर टू रो इसकी बस। तो इसमें इनब्रीडिंग अब ऐड करते हैं, इनब्रीडिंग से क्या दिक्कत होगी बोलो? इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना? इनब्रीडिंग जानते हो क्या होती है? यस सर। क्या होती है इनब्रीडिंग? सर व्हेन वी क्रॉस बिटवीन, व्हेनेवर द क्रॉसिंग इज बिटवीन अ रिलेटेड स्पीशीज देन इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। हाँ, इसको ब्रदर सिस्टर मीटिंग भी कह सकते हो। इसलिए ह्यूमन में देखो मैरिज होती है दूसरे गोत्र में होती है, दूसरे कुल है ना उसमें होती है, ब्रदर सिस्टर में मैरिज नहीं होती है। इसी तरह से इसी तरह की चीजें यहाँ भी अवॉइड की जाती है क्रॉप्स में। इससे हो जाता है क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब जो क्रॉप की वैरायटी आप सोच रहे हो कि बेस्ट होगी वो खत्म हो जाएगी और सुपीरियर प्लांट आपको निकलेगा, ठीक है? इसको अवॉइड करते हैं। डीमेरिट्स क्या है, देयर इज नो कंट्रोल ऑन पॉलिनेशन, प्लांट आर अलाउड टू ओपन पॉलिनेट, दस द सिलेक्शन बेस्ड ऑन मैटरनल पेरेंट वार्निंग। तो एंथर का चूंकि कोई भी हो सकता है लेकिन मदर के बेसिस पे ही सारा डिसाइड होता है। एक तो ये इसका ड्रॉबैक है, देखो सिलेक्शन टाइम इज टू ईयर, एटलीस्ट दो साल आपको लग जाते हैं एक बेस्ट सुपीरियर की वैरायटी के सीड को डेवलप करने में, ठीक है ना? और ऐसे ही दो साल लग जाता है मास सिलेक्शन में, ठीक है? क्लियर हो गया, ये खत्म हो गया आपका, ये स्लाइड आपको अपलोडेड है यहाँ पे, ठीक? इसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है, राइट? अब सिलेबस क्या कहता है भाई, सिलेबस देख के पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा? सिलेबस क्या कहता है, मॉडिफाइड ईयर टू रो रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम, हेटरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो ये बताते हैं हेटरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये हेटरोसिस, हेटरोसिस क्या होती है बोलो? ये ऐड नहीं हुआ क्या हेटरोसिस? हेटरोसिस हेटरोसिस को लगता है मटेरियल, हाँ ओपन हो गया, ठीक है? तो हेटरोसिस का आपको हमने नोट्स डाला हुआ है, इस नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टार्ट करें आप। यस सर। अब देखो, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या करते हैं, सेल्फिंग नहीं कराएंगे यानी इनब्रीडिंग नहीं कराएंगे, जब भी पॉलन का क्रॉस कराएंगे वो कराएंगे किसके साथ, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन समझते हो ना, जिसमें एक ही पेड़ पे मेल एंड फीमेल दोनों, राइट? तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा बेटा, फर्टिलिटी डाउन होगी कि बढ़ेगी? फर्टिलिटी डाउन होगी कि बढ़ेगी बताओ इनब्रीडिंग डिप्रेशन में? सर डाउन हो जाए। हाँ डाउन क्यों होगी बेटा, शाबाश, क्यों डाउन होगी? क्योंकि सर कंटिन्यूअस जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो प्लांट का जो क्वालिटी होगा डिक्रीज होते जाएगा। हाँ हाँ, उसका जो बेस्ट फिनोटाइप करेक्टर है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड एज द सीवियर रिडक्शन इन, सीवियर रिडक्शन इन वीगर एंड फर्टिलिटी। अगर आप सेल्फिंग कराओगे तो सीवियर रिडक्शन इन वीगर एंड फर्टिलिटी। अभी समझ में आ गया ना, एक ही लाइन आपको पकड़ के रखनी है, ज्यादा लंबी लाइन नहीं होती, किसी भी चैप्टर की जो मेन थीम होती है वो एक ही लाइन होती है, ठीक है? उसी को आपको एक्सपैंड करना होता है, बात समझ गए? तो इसमें एक लाइन की थीम क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो देयर विल बी सीवियर रिडक्शन इन विगर एंड फर्टिलिटी,
इतना क्लियर हो गया, अब आगे पढ़ते हैं. व्हाट इज इनब्रीडिंग? मेटिंग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिब मेटिंग, सिबलिंग मेटिंग, है ना. तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग, तो सेल्फिंग अब ऐड करना चाहिए, राइट. इफ यू वॉन्ट, दिस इज द इनब्रीडिंग. हेट्रोसिस क्या है? टर्म हेट्रोसिस वॉज फर्स्ट यूज बाय सोल व्हेन 1914, ठीक है. हेट्रोसिस का टर्म किसने यूज किया था? सोल ने यूज किया था 1914 में. डिफाइंड एज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट इन टर्म ऑफ यील्ड और सम अदर करेक्ट, ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड. क्या है ये लाइन रट लो, हाइट्रोसिस में क्या सुपीरियरिटी होती है, किसकी सुपीरियरिटी होती है बोलो? F1 हाइब्रिड की. F1 हाइब्रिड की होती है, राइट. F1 हाइब्रिड की. F1 हाइब्रिड का मिलता है, तो ये समझ लो, जैसे मान लो आपने क्रॉस कराई RR की, तो क्या बनेगा बेटा बोलो, क्या बनेगा? चलो ये ऐसे करा लेते हैं ताकि आपको आसानी हो. कैपिटल RR, स्मॉल RR, तो आपको बनेगा F1 में कैपिटल R और स्मॉल R. ये हो गया स्मॉल R F1, ये हो गया पैरेंट P1, ये हो गया पैरेंट P2. क्लियर? एकदम क्लियर कि बिल्कुल साफ हो गया? समझ नहीं आ रही है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा है? ऐसा भी कोई है बोलो? माइक, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? कौन है, नाम बताओ. किसके दिमाग में भूसा भरा है? तो मेरे ख्याल से सबके पास दिमाग है, ठीक है ना. यस, हाँ. तो अब इतना तो समझ में आ गया कि पेरेंट P1 है, ये P2 है, और जब इनको क्रॉस कराओगे तो क्या बन गया? F1. तो हेट्रोसिस में कह रहे हैं कि F1 की जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है दैट शुड बी द बेस्ट. F1 की किससे बेस्ट होनी चाहिए, किसके कंपेयर में? पेरेंटल जनरेशन विद पेरेंट P1 एंड P2, दोनों पेरेंट्स को. That should be superior over both the parents. किस टर्म में? Yield के टर्म में. सपोज आप wheat ग्रो करा रहे हो, तो wheat की yield important है ना, है ना, बात समझ रहे हो. अगर मान लो आपको 1 क्विंटल मिलता है उसी फील्ड में, लेकिन आपको ऐसी सीड बनाना चाहते हो उसमें 2 क्विंटल मिले, तो जो सीड पेरेंट में तो 1 क्विंटल वाली थी, आपने 1 क्विंटल वाली को क्रॉस कर दिया 1 क्विंटल वाली से, लेकिन F1 में अगर आपको कितना मिल गया? 2 क्विंटल. ये बेस्ट हुई कि नहीं दोनों पेरेंट्स से? दोनों पेरेंट्स से बेस्ट हो गई ना ये. तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रू हेट्रोसिस. क्या बोलेंगे बोलो? ट्रू हेट्रोसिस. ट्रू हेट्रोसिस, हाँ. इसको बोलेंगे ट्रू हेट्रोसिस. इसको बोलेंगे ट्रू हेट्रोसिस, ठीक है. अभी क्लियर है इतना? कितना क्लियर हो गया बेटा? सो कैन बी ऑकर्ड इन ऑल टाइप ऑफ स्पीसीज, सेल्फ पॉलिनेशन में भी हो सकता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी हो सकता है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स में भी हेट्रोसिस आपको मिल सकता है. हेट्रोसिस किसने ऑब्जर्व किया था? सोल ने. किस ईयर में? 1914 में. फिर इसके बाद पॉल रूटर ने स्टडी किया इसको, ठीक है. पॉलिटर ने टोबैको में स्टडी किया, डार्विन ने स्टडी किया, ठीक, राइट. तो अब ये हेट्रोसिस में जो F1 आया उसको क्या बोलेंगे बोलो? ये तो फिनोमेनन होगी हेट्रोसिस ना, हेट्रोसिस तो फिनोमेनन होगी. सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द बोथ पेरेंट्स, इसको बोलेंगे हाइब्रिड वीगर. ये जो बेस्ट क्वालिटी को क्या बोलोगे साइंटिफिकली? दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड वीगर. विगर मतलब होता है बेस्ट, ठीक है ना. तो ये हो गया हाइब्रिड फिगर. और ये सबसे पहले किसमें पता लगा था बोलो? मेज में, ठीक है. सबसे पहले किसमें पता लगा था? मेज में. कितने तरह की हेट्रोसिस होती है? देर आर एवरेज हेट्रोसिस, रिलेटिव हेट्रोसिस. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि F1 से कितना सुपीरियर है,
उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको फार्मूला वैसे सिर्फ नॉलेज के लिए दिया है, आप लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तब भी मिलेगा। तो ये मीन ऑफ हाइब्रिड और ये मिड ऑफ द पैरेट। तो मीन जानती हो ना, मीन का मतलब अगर हम कहें टू 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 तो ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया मीन। अब जो पेरेंट का करेक्टर उससे माइनस करके डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा। एक तो ये हो गया, फिर हेट्रोबेल्टोसिस हो गया, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, निगेटिव टाइप आपके सिलेबस में नहीं है, आपको हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर जानना है, राइट। हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस दोनों अलग अलग है कि एक ही चीज है, तो बोथ आर द सेम। हाइब्रिड विगर बोलो या हेट्रोसिस, जैसे एक भजन सुना होगा राम को हो या श्याम, उसी तरह से हाइब्रिड विगर क्या है, हाइब्रिड विगर बोलो एचबी या इसको बोलो क्या बोलोगे हेट्रोसिस, क्या बोलोगे हेट्रोसिस, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, हेट्रोसिस आग में भूसा भरा है क्या बच्चों, हेट्रोसिस हाँ तो बोलो जो जो से, इसमें क्या शर्माने की बात है, हेट्रोसिस जितना जोर से बोलोगे उतना तुम्हें याद होगा खुद ही, किसी से शर्म मत किया करो। तो हाइब्रिड विगर का मतलब क्या है, ईस्ट आर वेस्ट एफ वन इज द बेस्ट, ईस्ट आर वेस्ट एफ वन इज द बेस्ट, याद हो गया हाँ, ईस्ट आर वेस्ट एफ वन इज द बेस्ट। लग्जरियस लग्जेरियंस वर्सेस हेट्रोसिस, लग्जेरियंस इज द इंक्रीज्ड विगर, इससे भी ज्यादा अगर अच्छा आ गया वैरायटी तो उसको बोलेंगे लग्जेरियंस, हेट्रोसिस से ऊपर जैसे कहते हैं ना मूर्ख, मूर्ख से ऊपर क्या होता है, बोलो जोर से बोलो ना, मूर्ख से ऊपर महामूर्ख, महामूर्ख से ऊपर संपूर्ण मूर्ख, मूर्ख शिरोमणि, ठीक है। इसी तरह से ये हेट्रोसिस के ऊपर क्या हो गया, लग्जेरियंस, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, इंक्रीज यील्ड बढ़ जाएगी, है ना, साइज भी बढ़ सकती है, बेटर क्वालिटी होगी, बेटर ऑपरेशन होगी, अर्लियर फ्लावरिंग मैच्योरिटी होगी, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट होगी, फास्टर ग्रोथ रेट होगी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट पार्ट होगा, जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस एंड इंक्रीजिंग डिप्रेशन। देर आर थ्री मेन थ्योरी ऑफ हेट्रोसिस एंड ब्रेन डिप्रेशन, डोमिनेंट हाइपोथेसिस, ये सब आपको सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन जानना चाहिए। डोमिनेंट हाइपोथेसिस में ये कहता है कि भाई जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन होगी उतना ज्यादा आपको हेट्रोसिस मिलेगी, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये बात जानते ही हो, डोमिनेंट जीन होगी तभी वो करेक्टर अच्छा शो करेगा, नहीं तो अच्छा शो नहीं करेगा, ठीक है। ये आप सब आपको नहीं पढ़ना है डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस, ठीक है ना, लेकिन आपको हाइब्रिड जीन में आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट जो होगा वो बेस्ट होगा। जब आईसीआर वगैरह का जाओगे आप एग्जाम देने तो ये जरूर पढ़ लेना ये स्लाइड वगैरह, इसीलिए मैंने अपलोड भी किया कि डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस में डिफरेंस वहां पूछते हैं, ठीक है ना। तो ओवर डोमिनेंस में क्या होता है कि होमोजाइगस होता है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो डोमिनेंस में क्या है कि जीन जो है काफी डोमिनेंट होगी तो वो अच्छा शो करेगी। एपिस्टेसिस भी आता है, एपिस्टेसिस मतलब को डोमिनेंट, दो जीन जो है एक साथ डोमिनेट करने की कोशिश करती है, तो उसमें कई बार आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एफ वन इज द बेस्ट, अदरवाइज कई बार नहीं मिलेगा, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होती है, तो ये भी आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हो ना, व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो, अरे ए सेक्सुअल मतलब नहीं पता तुम लोगों को, इतने मूर्ख हो जी, ए सेक्सुअल मतलब जिसमें सेक्स ना हो, सेक्स का मतलब मेल फीमेल एब्सेंट, नो मेल नो फीमेल, मेल को कैसे दिखाते हो वैसे, फीमेल कैसे दिखाते हो वैसे, ठीक है। जिसमें नो सेक्स को क्या बोलोगे, बोलो ए मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ए मतलब नो सेक्सुअल मतलब सेक्स, नो सेक्स। अब जब नो सेक्स होगा तो उसमें सीड कैसे बनाओगे, उसमें सीड तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं ना, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा या सर? नो सर, जब सेक्स ही नहीं तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? तो इसको बोलते हैं सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ अभी समझे तुम, अब भूसा थोड़ा सा निकला है तुम्हारे दिमाग का, ठीक है। तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब ऐसे सीड को जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। अपोमेक्सिस। वेरी गुड, इसको बोलेंगे एपोमिक्सी, यानी बिना मिक्सिंग के बना है, मेल फीमेल की मिक्सिंग नहीं हुई है इसलिए बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। समझ आ गई बात? यस सर। समझ आ गई ना अच्छे से, सब लोग एक साथ बोलो यस सर, समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। यस सर, यस सर, यस सर। तो अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, अब क्रोमोजोम को अगर डबल कर दिया, ठीक है ना, कॉल्चिसिन डाल के, तो पॉलीप्लॉइड बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े वाटरमेलन आते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा बहुत ही बड़े आते हैं कुछ, तो मैंने हाथ में ही नहीं आते हैं, तो वो पॉलीप्लॉइडी होती है। जितना ज्यादा क्रोमोजोम डबल करोगे उतना ज्यादा वो बड़े हो जाएंगे, तो उसी को बोलेंगे पॉलीप्लॉइड। सीड जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा उसको बोलेंगे एपोमिक्सी। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जहां हेटरोसिस आपको नहीं मिल रही है, अच्छे एफन नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें आप एपोमिक्सी के सहारे अच्छा प्लांट बना सकते हो, जैसे सिट्रस में, नींबू में, है ना, ब्लैकबेरी में, ठीक है, इसमें बना सकते हो। क्लियर, ये हो गया आपका हेटरोसिस, ठीक है, हेटरोसिस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एपोमिक्सी, पॉलीप्लॉइड, ये ठीक है बेटा, कितना क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो सिलेबस देख लेते हैं फिर से। ये रहा 322। जिसने ना ज्वाइन किया वो कोड नोट कर लो, स्मॉल आर के पी जेड एम जी डब्ल्यू, ठीक है, मैसेज कर दूं मैं चैट बॉक्स में, यह क्लास का कोड, इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब क्या रह गया, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक है, ये बता दूं आपको, इसमें हमने दो नोट दिए हैं, बहुत सिंपल सिंपल नोट्स हैं, इसके बारे में बता देता हूं क्या है। ये है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इसमें मैंने यही इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग टर्म, प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट इंप्रूवमेंट, जो भी प्लांट बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, दो तरीका से होता है, ये प्लांट ब्रीडिंग से करो या फेनोटाइपिकली सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फोकस ऑफ या गोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, बोलो व्हाट इज द फोकस ऑफ गोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, टू ऑब्टेन द बेस्ट फिनोटाइप, है ना, यानी इंप्रूव्ड प्लांट, सेलेक्ट इंप्रूव्ड प्लांट, इसलिए क्या कराते हो प्लांट ब्रीडिंग, क्या कराते हो आप प्लांट ब्रीडिंग कराते हो, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में अब आपको दो चीज आती है, एक तो दो तरह की प्लांट होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड, जो पहले बता चुका हूं, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में अगर कराओगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये अच्छा नहीं है, है ना, फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। यहां पे आप क्या प्रेफर करते हो, क्रॉस पॉलिनेशन, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। तो जितने भी कॉमर्शियल क्रॉप हैं, जितना भी खाने वाली क्रॉप हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन किया गया, दिस इज एन साइंस आल्सो, दिस इज एन आर्ट आल्सो, आर्ट भी है और साइंस क्या है,
आर्ट भी है और साइंस भी, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रॉप इंप्रूवमेंट, इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, इंक्रीज यील्ड, है ना। तो इंक्रीज यील्ड के लिए इंप्रूविंग द क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे मान लो पहले की दाल में थोड़ी टॉक्सिक कंपोनेंट होते थे, उसको कहते थे बुआ। क्या बोलते थे? बुआ नहीं, बुआ। बोलो, बोल के बताओ क्या बोलते थे? बुआ। बुआ नहीं रे, बुआ। बुआ बुआ बबुआ नहीं है यहाँ पे, इसका नाम है बीटा ऑक्सीलेमिन एलानिन। ये जहर होता था टॉक्सिक, पहले की दालों में इसको बोलते थे लथाइरस। वो जो खाता था वो लकवा मार जाता था उसको, ठीक है ना। लोग कहते थे भगवान का प्रकोप, भगवान का प्रकोप नहीं, दाल में टॉक्सिक कंपोनेंट था, तो ये ब्रीडिंग करके हटा दिया गया। चेंज इन मैच्योरिटी सीजन, है ना। तो अब पहले क्या, बड़े चार चार छह छह सात सात महीने लग जाते थे, अभी दो दो महीने वाली क्रॉप आ गई, तीन तीन महीने वाली आ गई, है ना। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर यानी प्रोडक्शन ऑफ मोर टिलर, जैसे राइस बाजरा में, है ना, ये इनकी टिलिंग ज्यादा कर सकते हो, राइट। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, रिडक्शन ऑफ प्लांट हाइट टू प्रिवेंट लॉजिंग, बहुत ज्यादा लंबे लंबे राइस रहते थे तो वो थोड़ा सा कटा दिया। फोटो सेंसिटिविटी, जैसे रेड ग्राम सर्कन, है ना, नॉन, ये रट लोगे ना याद कर लेना। डिटरमाइनिंग ग्रोथ हैबिटेट, ये थोड़ा हिस्ट्री है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? थॉमस फेयरचाइल्ड का नाम है, पॉल ड्यूटर का नाम है, एंड्रयू नाइट का नाम है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है ना। बाकी ज्यादा इतना पढ़ना नहीं है। हाँ, यहाँ पे टी एस वेंकट रामन इंडिया का पूछ सकता है, कौन है प्लांट ब्रीडिंग में, तो एम एस स्वामीनाथन है, ये एम एस स्वामीनाथन, और ये कल्याण सोना सरस्वती सुंदरा इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है, और टी एस वेंकट रामन ने शुगर में प्लांट ब्रीडिंग किया था। मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है? मेटिंग, आप जानते हो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड, दो तरह के फ्लावर, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंथर, इसमें, राइट, एंथर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टिग्मा पे। तो ये देखो, ये हैंड से आप रिमूव कर सकते हो एंथर को, और हैंड से ही दूसरा एंथर ले आके ओवरी के ऊपर डाल सकते हो, तो इसको कहते हैं हैंड पॉलिनेशन, ठीक है। ये हैंड पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें आप हैंड से, तो ब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में कैसे कराओगे? इसमें दो तरह का होता है, सिलेक्शन, सिलेक्शन में मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। कौन सा होता है? सिलेक्शन और मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। नाम क्या क्लियर होता है? आपको नोट्स मैंने अच्छा अच्छा डाल दिया, ठीक है ना, एक बार आपको खाली समझ में आ जाए। आज मैं पूरा सिलेबस इकट्ठा खत्म कर लूंगा, पॉलीप्लांट का तो समझा ही दिया, बायोटिक एबायोटिक समझा दिया, है ना, अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है, क्रॉप इंप्रूवमेंट बता दूंगा, फिर अभी बता दूंगा मार्कर असिस्टेड वाला, है ना, डीएनए मार्कर, ईयर टू बता ही दिया, राइट। तो बचा क्या? बोलो, कुछ नहीं बचा, आराम से हो गए। टाइम देखो इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर टाइम से तुम लोगों ने बताया होता कि मैडम क्लास में आते हैं नहीं पढ़ाते हैं, खड़े रहते हैं लैपटॉप लेके, है ना, रिटर्न में जो लिख के दोगे फिर उसी का एक्शन होगा ना, बात समझ गए? तो तुम लोगों ने गलती करती ना, बेटा टाइम से बताया नहीं, एक भी क्लास मिस हो रही थी तुरंत बताना होगा, सर ये क्लास मिस हो रही, बताओ। आवाज आ रही मेरी? ये देखो मास सिलेक्शन, सिलेक्शन थर्ड वन है हाइब्रिडाइजेशन, ये किसमें है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, किसमें बेटा? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। फिर हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो इंटर वैरायटर, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसीजन मेथड, इतना नहीं पढ़ना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन का जनरल कॉन्सेप्ट लेना है, इंटर वैरायटर, पेडिग्री और बल्क मेथड, बाकी चीजें आप पढ़ोगे बाद में फिफ्थ सेमेस्टर में।
फिर ये है नहीं आपको बैक क्रॉस में था म्यूटेशन पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग है, पॉलीप्लाइडी है, म्यूटेशन ब्रीडिंग नहीं है बैक क्रॉस में, ठीक है। तो अब ये देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब जैसे मान लो आप घूमने गए राइट, और वहां से कोई बेस्ट वैरायटी ले आए, मान लो बनाना की वैरायटी ले आए है ना, या ऐसा राइस ले आए जो कि बहुत ही छोटी थी और बहुत ही अच्छा फसल देती थी, जैसे इसको बोलते हैं द्वार राइस, क्या बोलते हैं द्वार राइस, ठीक है। तो द्वार राइस अपने इंडिया में नहीं होता था, इसको ले आए दूसरी वैरायटी लाए, लाइक टाइचुंग नेटिव वन ले आए, IR8 ले आए, लेरमा रोजा ले आए है ना, सोनरो 64, ये सब बाहर की वैरायटी, द्वार वीट वैरायटी, क्या है ये द्वार वीट वैरायटी, कहां से लाए, ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है, ये इंडिया का नक्शा है ना, ठीक है। अब ये मान लो कोई दूसरे कंट्री में आप गए थे घूमने और आप ले आए यहां से, तो कहां से ले आए आप, मान लो आप ले आए चाइना से ले आए या अमेरिका से ले आए, ठीक है। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, बोलो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, हाँ क्यों इंट्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि बाहर से ले आके अपने खेत में लगा रहे हो, ये इंडिया का नहीं है, इंडिया का होता तो नेटिव हो जाता, नेटिव मतलब यहीं का है, अपने इंडिया का है, अमृतसर से ले गए, बिहार ले गए है ना, वेस्ट बंगाल ले गए, तो ये अपने नेटिव हो गया, लेकिन अगर बाहर के देश से ले आए दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने ये अमेरिका में अलग इन्वायरमेंट है, अलग सॉयल है, अलग टेम्परेचर है, अलग है ना कंडीशन है, और इंडिया में ले आए तो एक डिफरेंट कंडीशन है। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी आई थी, IR8 है ना, लेरमा रोजो, सोनरो 64, ये आपको नाम याद करना पड़ोगो, ठीक है, क्लियर बेटा। तो दिस वॉज द प्राइमरी इंट्रोडक्शन, अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन करेंगे, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में ये करेंगे भैया इंट्रोडक्शन तो वहां भी हो रहा है, बाहर से ही ला रहे हैं, लेकिन उसमें सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी लोकल वैरायटी बेस्ड है और बाहर जो ले आए, नहीं समझे, जैसे होता है ना मान लो एक बेड है, ठीक है, आपका घर का डॉगी है सपोज, ठीक है, और एक डॉगी आ गया बाहर का, ठीक, अब दोनों क्या इस बिस्तर पे सो पाएंगे, बोलो एक ही बिस्तर हो या एक ही रोटी हो खाने को, दोनों लड़ाई करना लगेंगे, क्यों, ये घर वाला है, ठीक है, और ये कहाँ का है, बाहर का, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो जैसे अगर पहले दिन तो लड़ाई करेंगे, लेकिन अगर 10 दिन बाद अगर यही इनको यहीं पे रखा जाएगा दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। मतलब आपने जो नेटिव प्लांट है मान लो वीट की, नेटिव वीट राइट, और एक जो बाहर की IR8 ले आए, अब इन दोनों में देखना है कि दोनों में कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, ये वाला या ये वाला। इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, लोकल वैरायटी से इनको मिक्सिंग करा दिया, ठीक, क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन सा करेक्टर आएगा, न्यू करेक्टर, ठीक है, जब न्यू करेक्टर आ गया तो व्हाट विल हैपन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब आप बात समझ में आ गई, प्राइमरी इंट्रोडक्शन में पौधा ले आया सीधे लगा दिया, ठीक, और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, बोलो बोलो, दूल्हा इंडिया का, दुल्हन अमेरिका की, दुल्हा दुल्हन बाहर से आ गए। तो अब ये होगा जो इनका चाइल्ड होगा चुन्नु मुन्नु, ठीक है, अब ये होंगे बेस्ट,
क्योंकि इसमें दो जीन आ गई ना, बाहर की भी आ गई अंदर की भी आ गई, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कल्याण सोना सोनालिका, नाम सुना होगा ना, कल्याण सोना है, सोनालिका बहुत अच्छी है, ऐसे लोग बातें करते हैं ना, बोलो। यस सर। हाँ क्यों बातें करते हैं, क्योंकि इनकी वैरायटी अच्छी है, इनका प्रोडक्शन अच्छा है, यील्ड अच्छी है, तो ये कल्याण सोना हो गया, ये सोनालिका हो गया। अब ये बताओ, मान लो तुम ले आए बाहर से पौधा, ठीक है, क्या ले आए, पौधा, ये पौधा ले आए अमेरिका से भाई, इसको लगा दिया अपने फील्ड में, ये तुरंत ही ग्रो कर जाएगा, बोलो नहीं, पहले ये अदर इन्वायरमेंट से आया था, ठीक है, जहां बहुत ही ठंडा था, 4 डिग्री पे ग्रो करता था, आपके यहाँ टेम्परेचर है 40, क्या ग्रो कर जाएगा ये पौधा, ग्रो कर जाएगा, इसको टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ग्रो कर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्लिमेटाइजेशन, है ना, जैसे अमृतसर के जो बच्चे हैं उनको टाइम नहीं लगा, लेकिन आप बिहार से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, आप कहां से हो, नेपाल से हो, तो आपको टाइम लगा, बात समझ आ गई, यहाँ एडजस्ट करने में, है ना, यहाँ क्या नहीं मिलता है, दाल नहीं मिलती है फिर आपके फ्लेवर का बहुत सारा खाना नहीं मिलेगा, है ना, फिर आपको ठंडा भी ज्यादा लगेगा, ठीक है, कान में रुई भी ठूसोगे, ईयरफोन भी ठूसोगे, मोफलर भी बांधोगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, तो आपको एडाप्ट करने में क्या लगा, टाइम है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एक्लिमेटाइजेशन, ठीक, तो प्लांट इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी आती है, एक्लिमेटाइजेशन, राइट। अब एक्लिमेटाइजेशन तो कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज एबिलिटी ऑफ क्रॉप टू अडॉप्ट न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, न्यू क्लाइमेट, न्यू एडेप्टिव कंडीशन, एडेप्टिव कंडीशन क्या है, एनवायरनमेंट, है ना, और अब जब ये ग्रो कर गई, एक बार अडॉप्ट हो गई, अगर तुमने देख लिया अमृतसर कहाँ है, जंडियाला गुरु कहाँ है, तो अब क्या करोगे, अब अमृतसर तुम्हारा, क्योंकि अब तुम जानते हो, गली गली जानते हो, ठीक है, जान गए कि नहीं जी अमृतसर को, मनावाला जान गए, जंडी वाला जान गए, टाल जान गए, जान गए ना सारे, यस बोलो, यस सर, नो, यस सर, जान गए, यस सर, जान गए, हाँ शाबाश, सारे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एडॉप्ट कर गए, अब जब एडॉप्ट कर गए तो इसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक, क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक, यानी भाई ये पहले वाइल्ड था, जब आया था तो क्या था, बाहरी था, अभी ये घर का हो गया, डोमेस्टिक मतलब घर का हो गया, तो पहला क्या किए, ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन, बाहर से ले आए पौधे लगा दिए, फिर ये अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर गया तो क्या बोले, बोलो क्या बोले, एक्लिमेटाइजेशन। अब ये जब कई जनरेशन ग्रो कर गई, जनरेशन वन, जनरेशन टू, जनरेशन थ्री, अब इसको बोलोगे अरे यार ये तो घर की वैरायटी, डोमेस्टिक वैरायटी होगा, है ना, तो इसमें आपको दो टर्म डिफाइन कर दिया, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, फिर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में तो अलग चीज हो गई, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, इसको डोमेस्टिक एक जो वीट की वैरायटी होगी उसके साथ क्रॉस करा देंगे, और इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो वीट का प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। आगे क्लियर बात हो गई बेटा, यस सर। तो एक्लिमेटाइजेशन लीड टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट अडॉप्टेड जीनोटाइप व्हिच डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर, ब्रीडिंग सिस्टम, जेनेटिक वेरिएशन, ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप, प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी हमने बता दिया कि यू कैन प्रोक्योर द न्यू वैरायटी, न्यू जर्म प्लाज फ्रॉम द एनबीपीजीआर, इंडियन एनबीपीजीआर का फुल फॉर्म, दिस इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ आईसीएआर, राइट, ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च, नेशनल एनबीपीजीआर का फुल फॉर्म हो सकता है, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च, तो आप इनको ले आओगे,
ले आते ही थोड़ी ना खेत में ग्रो करा दो। मान लो ये अमेरिका से आया, आजकल क्या शब्द हो रहा है कि जो बाहर से आएगा उसको क्या करोगे, क्या करोगे, वेरी गुड, उसको करेंगे क्वारंटाइन। इसी तरह पौधे का भी क्वारंटाइन होता है, बाहर से ले आए प्राइमरी इंट्रोडक्शन में तुरंत क्वारंटाइन करेंगे, इसको चेक करेंगे कुछ हफ्ते तक कोई डिजीज तो नहीं है, डिजीज होगा तो अपीयर हो जाएगा तो उसका इलाज कर देंगे, नहीं खेत में फैल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर डिजीज हुआ तो क्या करेंगे, इसको फ्यूमिगेशन कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, राइट, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट से अगर लग गया तो उसको भी फायदे, जैसे तुम बताओ जो पहले एक कांग्रेस ग्रास आई थी, तुमने सुना था कांग्रेस ग्रास के नाम, कांग्रेस आई ने एक गेहूं अमेरिका से खरीदा था, तो अमेरिका ने चालाकी की, अमेरिका ने क्या किया, सीड तो थोड़ा दिया, उसमें घास वाले सीड ज्यादा दे दिए ताकि गेहूं भारत में उगे ना और वहां के लोग भूखे मर जाएं, ठीक है ना। तो कांग्रेस ऐसे साजिश करती है, दंगे हो जाएं, लोग मर जाएं, ठीक है ना, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने पकड़ दिया, ठीक। तो अब ये कलेक्शन भी करते हैं एनबीपीजीआर वाले, बाहर से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एग्जोटिक कलेक्शन, अंदर का जो रहेगा वो उसको बोलेंगे इंडिजिनियस कलेक्शन। और मान लो आपने कोई, जैसे बाबा रामदेव है वाइल्ड वैरायटी ढूंढते हैं जंगल से, तो उसको बोलेंगे इंडिजिनियस वाइल्ड कलेक्शन। इसको क्या करेंगे, पहले इवैल्यूएट करेंगे, सीधे खेत में नहीं उगा देंगे, इवैल्यूएशन करेंगे किसका डिजीज ना हो कोई, है ना, अच्छी वैरायटी है, करेक्टर है, फिर मल्टीप्लीकेशन, तब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला स्टेप क्या है, इवैल्यूएशन, जो भी कलेक्शन है उसमें से जो आप चाहते हो उसका इवैल्यूएशन, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा, फिर मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट क्या है, नई क्रॉप वैरायटी मिल जाएगी, सुपीरियर वैरायटी मिल जाएगी, जर्म प्लाज्मा आपका इकट्ठा हो जाएगा, है ना, डिजीज फ्री होगी। डिमेरिट क्या है कि कई बार लापरवाही कर जाते हैं, हमारे देश में तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा पैसा वैसा लेके, है ना, हाँ यार कर लो, इसको बोलते हैं घुसखोरी, चीर कुटाई, ये सारा करके लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं, पास कर देते हैं, पूरी बीमारी फैल गई। जैसे देखो आर्जीमोन कहाँ से आया, बाहर से आया, इकॉर्निया कहाँ से आया, बाहर से आया, लेंटाना हमारे कंट्री का नहीं था, ये सारा घास बाहर से आ गया, अब एक बार आ गया तो जाता ही नहीं, सारे खेत में यही नजर आता है। बहुत सारे पेस्ट आ गए पोटैटो के साथ, जैसे पोटैटो ट्यूबर मॉथ आ गया, उली एफिजा वेफिल आ गया, फ्लोटेड स्केलोसाइटस आ गया, बीमारी आ गई बाहर से, तो ये फायदा होता है। लेकिन अचीवमेंट बहुत सारा है, अगर ध्यान रखो, सावधानी रखो, क्वारंटाइन कर लो तो ज्यादा फायदा है, नई क्रॉप वैरायटी मिल जाएगी, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल वैरायटी, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होगी, म्यूटेशन ब्रीडिंग, वही आपको क्या करना है कि सुपीरियर वैरायटी अगर नहीं मिल रही है तो आप क्या करो, कुछ म्यूटेशन करा दो। म्यूटेशन कराने से क्या होता है कि कुछ नए करेक्टर आने के चांसेस होते हैं। ऐसे कौन कौन से गेहूं मिले, सरबती सुंदरदार, है ना, अंबर कलर का गेहूं आ गया, तो ये एम एस स्वामीनाथन ने गामा ट्रीटमेंट से किया था। किससे, गामा ट्रीटमेंट से किया था, प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन इज अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल फर्टिलाइज होमोजाइगस प्लांट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन प्रपोज बाय जॉनसन। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, मैं बता दिया आपको, प्योर लाइन मतलब होमोजीनियस चीज, ठीक है, होमोजीनियस वही है प्योर, ठीक है। कभी कभी अगर मान लो आप लगातार ग्रो कराते हो कई जनरेशन तक, तब भी आपको प्योर लाइन मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर ग्रो कराया, सेकेंड ईयर ग्रो कराया, है ना, ठीक है, फिर थर्ड ईयर ग्रो कराया, फोर्थ ईयर ग्रो कराया, फिफ्थ एट ईयर ग्रो कराया, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉप इंप्रूवमेंट प्योर लाइन से मिलेगी, ठीक है ना, ये फायदा होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि द मेथड कैन आइसोलेट ओनली सुपीरियर जीनोटाइप, है ना, तो एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन क्रॉस पॉलिनेटिव क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटिव तो कराई नहीं सकते प्योर लाइन का, केवल सेल्फ पॉलिनेटिव करा सकते हो, ठीक है। तो म्यूटेशन स्टडी वैरायटी, मास सिलेक्शन में, व्हाट इज मास सिलेक्शन, आप क्या करते हैं कि बहुत सारे फिनोटाइप की सीड को मिक्स कर देते हैं,
क्या करते हैं, बहुत सारे सीड की वैरायटी को क्या करेंगे, मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। तो ये हो गया मास सिलेक्शन। यहां मिक्सिंग जरूरी है, क्या जरूरी है मास सिलेक्शन में, मिक्स सीड, मिक्स ऑल टाइप ऑफ बेस्ट सीड, जितने बेस्ट सीड आपके पास है सबको मिक्स कर दो और ग्रो करा दो, ठीक है। तो पहला सीजन हो गया, दूसरा सीजन ग्रो कराया, तीसरा सीजन ग्रो कराया, तो उसमें से जो भी बेस्ट है वो आप लेते चलो, ठीक है। तो जो खराब फिल्टर है उसको हटा देना है, ठीक है। तो आपको हाई यील्डिंग वैरायटी आपको मिलती है, इसको कहते हैं मास सिलेक्शन या बल्क सिलेक्शन। इसका मेरिट क्या है ना, टाइम कम लगता है ना, अब नॉर्मल कंडीशन में भी ग्रो करा सकते हो। डीमेरिट क्या है, डीमेरिट ये है कि हो सकता है कई बार ये फेल हो जाए ना, तो फिर ये प्लांट हर इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा इसकी गारंटी नहीं है। तब नया मेथड आया हाइब्रिडाइजेशन पेडिग्री मेथड, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग हो जाती है, उसमें फर्टिलिटी लॉस होने का खतरा होता है। इसीलिए टर्म दिया है हाइब्रिडाइजेशन एंड पेडिग्री मेथड, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कराओ, क्या कराओ हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है बेटा, क्रॉस, क्रॉस भी कराओगे तो जो F1 प्लांट होगा उसको बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है। इसी को आपने हेट्रोसिस भी बोला था, कि अगर बेस्ट होगी पेरेंट से तो हेट्रोसिस है ना। तो F1 प्लांट को ले लिया, ठीक है, फिर F1 को F1 से मेटिंग करा दी, F1 इसको क्या बोलेंगे, सेग्रीगेटिंग जनरेशन, सेग्रीगेटिंग जनरेशन, ठीक है, सेग्रीगेटिंग जनरेशन। तो आजकल जितने भी सीड बनाते हैं बिना हाइब्रिडाइजेशन के संभव नहीं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन। व्हाट इज द एम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टू ट्रांसफर ऑफ वन और फ्यू क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन वन और मोर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ठीक। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का एम क्या है, टू बेस्ट, टू ऑब्टेन द बेस्ट कैरेक्टर इन टर्म ऑफ क्वालिटी इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो हाइब्रिड मिल गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल ब्रीडिंग कर देते हैं, यानी ढेर सारी वैरायटी भी आप मिक्स कर सकते हो, एक वैरायटी के लिए भी मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, इसमें कुछ जैसे प्लांट है F2 में आ गए, F1 में नहीं बेचता है, F2 में आ गया, तो वहां से भी ले सकते हो, है ना। तो कई तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, इंटरवाइटर, इंट्रावराइटर, इंट्रा मतलब सेल्फ, इंटरवराइटर मतलब दूसरी, है ना। वराइटर क्रॉस में भी सिंपल क्रॉस और कॉम्प्लेक्स क्रॉस, सिंपल क्रॉस टू पेरेंट्स आर क्रॉस टू प्रोड्यूस F1, कॉम्प्लेक्स क्रॉस मोर देन टू पेरेंट्स आर क्रॉस टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिड वैरायटी, चॉइस ऑफ पेरेंट, इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट, इमेस्कुलेशन, बैगिंग टाइप, ठीक है, याद रखोगे ये, पहले पेरेंट को लेना है तभी तो F1 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन करना पेरेंट का, फिर एंथर वहां से हटा देना है स्टेमेन एंथर को, अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो, फिर उनको बैग में बांध देना है फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को, ताकि कोई और एंथर आके पॉलिनेशन न कर जाए, टैगिंग कर देंगे, थ्रेड लगा देंगे कि कब किया था, क्या डेट थी, फीमेल का नाम क्या था, स्पीसीज क्या थी, वैरायटी क्या थी, फिर पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग, रेजिंग, सेल्फ। ये हो गया प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ना याद रखोगे पेरेंट से चॉइस, इवैल्यूएशन, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, पॉलिनेशन, फिर F1 आ गया, उसको सेल्फिंग करा के देख लिया कि भाई आ रहा है। पेडिग्री मेथड में क्या होता है, पेडिग्री मेथड F2 से प्लांट को लेते हैं, है ना, पेरेंट तो लिया ही था, F1 बना लिया, फिर F2 आ गया, F2 से स्टार्ट करोगे तो इसको कहते हैं पेडिग्री, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो पेरेंट जो था उसका रिकॉर्ड तो ही है ना। जैसे मान लो तुम लोग अपने दादाजी के क्या लोगे, बोलो दादाजी के क्या लगोगे,
पोता 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 पोती लगते होते, इसका मतलब पेडिग्री की बात कर रहे हो, है ना। यानी आप अपने मदर फादर के चाइल्ड हो, लेकिन आपके मदर फादर किसके चाइल्ड हैं? आपके दादाजी के, ठीक है। आपके दादाजी किसके चाइल्ड होंगे? परदादा के, ठीक है ना, समझ गए बात। इसको कहते हैं पेडिग्री। क्या कहते हैं? पेडिग्री, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या कराते हैं पेडिग्री में? हाइब्रिडाइजेशन, F1 F2 ले सकते हो इसमें से, ज्यादातर F2 लेते हैं। और F2 जनरेशन में 200 से 1000 प्लांट लेके, है ना, फिर उनको सीड बना के हार्वेस्ट करोगे सेपरेटली, ठीक है। फिर F3 जनरेशन लाओगे, फिर F4 जनरेशन, F5 जनरेशन। तो आपको हर जनरेशन में देखना है बेस्ट कौन सा है, ठीक है। क्या देखना है? कौन सा बेस्ट है। तो कितने जनरेशन तक जाएगी? F11 तक। पेडिग्री में जाती है F11 मेथड तक। तो इसमें एक फायदा होता है, इसमें एक फायदा ये होता है कि जो खराब प्रोजनी है वो बाहर चली जाती है, वो बाहर चली जाती है। बल्क मेथड में क्या होता है? अब यहाँ पे पेडिग्री मेथड की तरह जनरेशन जनरेशन नहीं जाते, यहाँ बल्क मेथड करते हैं। बल्क मेथड मतलब F2 को लेके उसकी ढेर सारी प्रोजनी बना देते हैं, ठीक है ना। हार्वेस्टेड इन बल्क, F2 जनरेशन ग्रोन एंड हार्वेस्टेड इन बल्क, ढेर सारा करते हैं। लेकिन इसकी जनरेशन भी ज्यादा है, बल्किंग करते हैं। 11 जनरेशन तक नहीं, 7 to 13 जनरेशन तक जा सकते हैं। मेथड ऑलमोस्ट हो गई है, इससे हम जाके स्लाइन आ जाएगी, है ना। तो ये मेथड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करोगे, F1 जनरेशन, F2 F6 जनरेशन, फिर F7 जनरेशन। ये सारा ढेर सारा प्लांट के साथ है, बस इतने फायदा है इसका। कम से कम 1000 से 5000 प्लांट तक आप बात करो, तब उसमें से बेस्ट वैरायटी मिलेगी, ठीक है। ये सिलेबस आपका लगभग खत्म हो गया। इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो मोटा मोटा बताया डेफिनेशन मेरे टीम मेरे, है ना, वो पढ़ना आपको। रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है? रिकरेंट सिलेक्शन मतलब बार बार, है ना, बार 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 सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, जो अच्छी जीन की कैरेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेवरेबल जीन फॉर यील्ड बाय अलाउइंग क्रॉसिंग एंड रिकॉम्बिनेशन टू टेक प्लेस ओनली बिटवीन बेस्ट परफॉर्मिंग सिलेक्शन, जो बेस्ट वैरायटी है उनके बीच में बार बार हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, है ना, तो उनमें बेस्ट वैरायटी जो है बेस्ट जीन आ जाए। प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम ओपन पॉलिनेटेड सोर्स पॉपुलेशन एंड सेल्फ दीज प्लांट्स आर रिलेटेड द टाइम सेम टाइम फॉर करेक्टर करेक्टर जीन सिलेक्टेड, ठीक है ना। ये सारा चीज सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे? ओरिजिनल पॉपुलेशन, फिर इंटरक्रॉस प्लॉट, फिर थर्ड ईयर में आ गए कंपोजिट पॉपुलेशन, इंटरक्रॉस प्लॉट, पॉपुलेशन पॉपुलेशन, तो बार बार क्रॉसिंग करा के आपको बेस्ट वैरायटी मिल गई। इसको सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं, रेसिप्रोकल से करंट करा सकते हो, रेसिप्रोकल वाला भी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप खाली जान लो, दो तरह के होते हैं, सिंपल और रेसिप्रोकल, ठीक है। इतना क्लियर, इनब्रीडिंग आपको बता ही दिया। सिंथेटिक वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी मतलब जब ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी मतलब आपको वो तो पता है कि मदर कौन है, लेकिन एंथर आप दूसरी जगह से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो हाइब्रिड आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक वैरायटी। कंपोजिट वैरायटी खाली मेज में आती है इंडिया में, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैरायटी मेज लेके क्रॉस करा देते हैं तो कंपोजिट वैरायटी। डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। तो हाइब्रिड क्या होता है? सिंगल क्रॉस करा सकते हो N2B, थ्री वे क्रॉस करा दिया N2B N2C, डबल क्रॉस करा दिया N2B N2C N2D, ठीक है ना। मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस N2 N2B, डबल मॉडिफाइड, मॉडिफाइड थ्री वे क्रॉस, टॉप क्रॉस, आपको बता दिया है ना। हाइब्रिड विगर को बोलते हैं सर। ब्रीडिंग का एक ये है कि सेक्सुअल मेटिंग जरूरी है, ये सेक्सुअल प्लांट में नहीं करा सकते,
ठीक है। अब मॉलिकुलर ब्रीडिंग आजकल एक नया टर्म आया है जिसमें आता है आपका मार्कर। अब पहले क्या करते थे बेटा, फिनोटिपिक सिलेक्शन आंखों से करते थे, किससे करते थे, विजुअल, ठीक है ना। फिनोटिपिक सिलेक्शन कैसे करते थे, विजुअल। आप कैसे करोगे, जीन से, क्योंकि जीन क्या डिसाइड करती है, जीन्स क्या डिसाइड होता है, करेक्टर। जीन से क्या डिसाइड होता है, करेक्टर, ठीक है। क्यूटीएल मैपिंग, एक तो मेथड हो गया क्यूटीएल। क्यूटीएल का मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेड लॉस। दूसरा हो गया मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। क्या बोलोगे, मार्कर। मार्कर क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड। जैसे मान लो ए जी आ रहा है सब जगह, है ना, पूरे गेहूं में। ये क्या काम करेगा, मार्कर का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी ट्रेड को कोड करेगा। मान लो ये कोड करता है सीड को या कर्नल को या टिलिंग को, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड ही क्या मार्कर का काम कर रहा है। तो मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी ले सकते हो जो कि किसी व्हीट में या राइस में स्पेसिफिक होकर, राइट। इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट मतलब जैसे एजी है तो ये हो गया माइक्रो सैटेलाइट, छोटा हुआ तो माइक्रो सैटेलाइट। सिर्फ ए है मान लो बार बार आ रहा है तो ये हो गया माइक्रो सैटेलाइट, यानी माइक्रो मैंने छोटा, ठीक है ना। सैटेलाइट मतलब रिपीटेड सीक्वेंस, इसको बोलते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड है, इसको बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये हो गया मार्कर की कहानी। क्योंकि मैपिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोसी होते हैं, जीन आपने सुना होगा, जीन में होती है लोसी, एलील के नाम सुना होगा, उसकी भी लोसी होती है, यानी प्लेस जहां पे जीन होती है, तो वो जीन फिक्स होती है, वो लोसी फिक्स होती है, है ना, वो बनाती है एक ट्रेड को, उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं लोसी, क्या बोलते हैं लोसी, वो बनाती है ट्रेड को, यानी हम बोल सकते हैं इसको क्यूटीएल। क्यूटीएल का फुल फॉर्म क्वांटिटेटिव ट्रेड लोसी, ठीक है। फिर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, है ना, तो वो बता ही दिया मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, यानी जो भी ट्रेड आपको सिलेक्शन करना है वो मार्कर के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो मार्कर के बहुत सारे टाइप आ गए, मार्कर असिस्टेड जेनेटिक सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, मार्कर असिस्टेड रिकरेंट सिलेक्शन। तो मतलब आपके पास बात कॉन्सेप्ट वही है, खाली यहाँ पे आपको क्या लिया, पहले विजुअल करते थे वही सारा काम, अब मार्कर के बेसिस पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा संति है आपको, मार्कर ये सारा मार्कर है संति, तो आपको मना है पढ़ना है ना, ना मना है ना पढ़ना, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इतना डिटेल में। खाली मार्कर का नाम आपको पता होना चाहिए, SNP है, RFLP है ना, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, STS है, ये सारे जीन के नाम है, क्या है, जीन के नाम। SNP मार्कर का फायदा क्या है, छोटा होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, तो इसकी पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अब ये जैसे मान लो एक वीट है तुम्हारा, इसको इंडिया की वीट बोल रहे हो, ठीक है, या सर नो बोलते रहो, नहीं मैं भी सो जाऊंगा। मान लो इंडिया में ये दो SNP है, क्या है, कितने SNP है यहाँ पे, दो। अब आप अमेरिका की वैरायटी ले आए, इसमें थी पांच, तो कौन सा बेस्ट हुआ, या छह थी, कौन सा बेस्ट हुआ, अमेरिका वाली, अमेरिका वाली, क्योंकि इसमें SNP ज्यादा है, तो ये शो कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक से ज्यादा है, ये एक था लेकिन इसमें कई है, सेम चीज है, SNP सेम है, वीट की वैरायटी है,
तो व्हीट में अलग एसएनपी, राइस में अलग एसएनपी। लेकिन अब हमें क्या है कि हम जो 12 जनरेशन 14 जनरेशन तक मेहनत करते थे, अब उतना मेहनत नहीं करना है। हमने देखा भैया जेल रन कराया डीएनए का, हमने देखा यहाँ तो दो ही है, यहाँ तो चार है, ठीक है। हमने जो हाइब्रिड बनाई इसमें पांच है, ठीक है, चलो ये और बेस्ट हो गई, ठीक है। और ले आए भैया, मान लीजिए आप लोगों में धनंजय कुमार ले आए कि नहीं हमारे में सर छह है, कौन सी बेस्ट हो गई, या छह वाली हो गई, तो आसान हो गया ना एसएनपी से पॉलीमर, ठीक है, जितना लो सी उतना बढ़िया, इसको कहते हैं। चलो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पीसीआर का भी यूज कर सकते हैं इसमें, ये आपका मार्केटिंग है, ये तो आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में, चलो कोर्स में आते हैं, ठीक है ना। ये मार्कर भी अपलोड किया हुआ है, ये देख लेना क्या है, पैकेट लॉन्चर टूल है, वही जो हमने बताया ये पढ़ लेना, डीएनए मार्कर क्या है, डेफिनेशन, डीएनए मार्कर जिस माल डिजन ऑफ डीएनए स्वयं सिक्वेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना, पीपीसीआर नॉन पीसीआर है, आरएफएलपी पीसीआर बेस्ड है, आरएपीडी एफएलपी एसएसआर, आरएफएलपी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर। तो ये आरएफएलपी एनालिसिस एप्लीकेशन वही है, को डोमिनेंट मार्कर है, यानी कोई डोमिनेंट या रिसेसिव वाला नहीं, दोनों डोमिनेंट है, तो इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, इससे डिजीज अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्रॉप में। आरएपीडी, आरएपीडी का फायदा ये है कि आप मान लो जीन आइसोलेट की है ना, तो जीन एक छोटी सी जीन आपको दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन आपने पीसीआर से एम्पलीफाई करा दिया तो ढेर सारी जीन होगी, नहीं तो ढेर सारी जीन निकालने में आपको कितने महीनों लग जाते हैं ना, एक एक गेहूं का सीड लो फिर इसमें से निकालो डीएनए, आपने पीसीआर में डाला जीन और एम्पलीफाई किया, तो इसमें से ये डोमिनेंट मार्कर है, तो ये ट्रेप में और अच्छा काम करता है आरएफपीडी, यानी बेस्ट आरएफएलपी से भी अच्छा है, ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, क्यूटीएल में भी हेल्प करेगा, ये इसका फायदा ही फायदा है, ड्रॉबैक है लेकिन काम है, ये हो गया मार्कर आपका, ठीक है बेटा, सारे हो गया, वाईपीआर रह गया बस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप देख लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वीडियो भी डाला हुआ है, एक लाइन में बता देता हूँ क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे मान लो तुमने कोई सीड बनाई, क्या बनाया, सीड बनाया, अब ये 10 गुना वीट की यील्ड दे रहा है, अब आप क्या करोगे, खुशी से पागल हो जाओगे, है ना भाई, इसको अब मान लो ये इसको किसने खोजा, इसको खोजा मान लो केशव ने खोजा, ठीक है ना, इसके डिस्कवरर कौन है, बोलो बोलो तो केशव। अब केशव सोचता है कि यार अब मैं ना जिंदगी भर कमाई खाऊं इसकी, उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, पेटेंट, तो जब पेटेंट कराएगा तो हाँ इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर किताब लिखते हो तो कॉपी राइट है ना, प्रोडक्ट बनाते हो जैसे मान लो आपने डाई बना लिया, बिस्कुट कोई अच्छा से बना लिया, कलर डेवलप कर लिया कपड़े का, तो ये इंडियन ट्रेडमार्क हो गया, और आपने कुछ और नया काम के लिए साइंटिफिक तो हो गया इंडियन पेटेंट एक्ट, इसके अंतर्गत हो गया, ठीक है ना। तो जो भी इन्वेंशन करते हो उसको आप कर सकते हो, इससे फायदा क्या होगा, कोई दूसरा कॉपी नहीं करेगा, चुरा के नहीं ले जाएगा, आपकी जिंदगी में पैसा मिलेगा, है ना, तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये चार तरह का होता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट। लेकिन पौधे के लिए क्या होगा, सीड के लिए क्या होगा, क्या पेटेंट होगा, नहीं, उसको बोलेंगे प्लांट ब्रीडर राइट, सीड के लिए क्या बोलोगे, प्लांट ब्रीडर राइट।
तो पेटेंट कितने साल तक एप्लीकेबल होता है? 20 साल तक, ठीक है। तो पेटेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नॉवल्टी, इन्वेंटिवनेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, पेटेंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर, कॉपीराइट, आपका आइडिया, बुक, कोई पोएट्री लिख रहे हो, ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोई फार्मूला डेवलप कर लिया, कोका कोला जैसे फार्मूला है ना, प्लांट पीटर राइट, अभी आ जाओ आपके काम की चीज, ये किसानों के लिए है ना, या आपने कल्टीवेटेड वैरायटी डेवलप की, सीड डेवलप किया, ठीक है। हाँ, इसको यूपो भी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं कि एक तो आपका सीड नॉवेल हो, अलग हो, वो किसी के पास ना हो, है ना, कुछ खास हो उसमें और हमेशा ग्रो करे, ऐसा नहीं कि गायब हो जाए दो जनरेशन के बाद, स्टेबल हो, ठीक है, 20 साल तक ये भी रहता है, ये फार्मर के पास रहता है। ये पीबीआर उसको बोलते हैं, ब्रीडर्स राइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, है ना, तो ब्रीडर के पास रहता है जो सीड बनाता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सीड, प्रोडक्शन, जेनेटिक डायवर्सिटी, ब्रीडर्स एग्जाम्पन, फार्मा प्रीलेज, है ना, फार्मर्स राइट, शेयर प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है ना। लोकसभा में ये बिल पास हुआ था 2001 में, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं पीपीपीएफआर एक्ट 2005, अब रजिस्ट्रेशन होती हो रहती है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू पास लेजिस्लेशन ग्रांटिंग फार्मर्स राइट इन द फॉर्म ऑफ पीपीवीआर। पीपीवीआर से क्या होता है कि जैसे अमेरिका की सीड है, आपने हाइब्रिडाइज करके नई बना दी, तो अमेरिका वाले दावा ठोक दे, नहीं आप तो इससे पैसा कमा रहे हो तो हमें पैसा दो, तो वो चीजें सेफ हो गई। अब ठीक है बच्चों, हो गया ना, कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना, सारा आपका कोर्स कवर हो गया। सिलेबस देखें फिर क्या करें, जैसा बोलो तुम, सिलेबस ही देख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं सिलेबस कवर हुआ कि नहीं। देख लो, हो गया ना सिलेबस, पॉलीप्लाइड, म्यूटेशन, ब्रीडिंग मेथड, यूजेस, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, पार्टिसिपेटिव प्लांट ब्रीडिंग, इंफेक्टिव पाउटी राइट, पेटेंटिंग, प्लांट ब्रीडर, फार्मर राइट, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, खुश हो अब सारे लोग, बोलो यस सर, यस सर, है ना। सारा कोर्स खत्म हो गया बेटा, अब सारा नोट्स अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, अब लिख लिख के खाली प्रैक्टिस करना, दिमाग में बैठाना है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बैठा दिया है, अब उसको इलाबोरेट करके लिखना कैसे है वो देखना, ठीक है सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।